28 मार्च को झारखंड में चार्टर्ड एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत होगी, जिससे गंभीर रूप से बीमार मरीजों को फौरन दूसरे राज्यों के बेहतर मेडिकल संस्थान में शिफ्ट किया जा सकेगा और ये सेवा रांची समेत राज्य के कई एयरपोर्ट पर मिलेगी। 28 अप्रैल से झारखंड के चार शहरों में एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत होने जा रही है। नागरिक उड्डयन निदेशालय झारखंड के सौजन्य से झारखंड के उन तमाम शहरों में जहां एयरपोर्ट बनकर तैयार है, ऑनलाइन बुकिंग के 3 घंटे के अंदर एयर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मार्गदर्शक इस योजना का लाभ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के हिसाब से उपलब्ध होगा। बकायदा टेंडर कर एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड एजेंसी का चुनाव किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के इच्छा थी कि झारखंड राज्य से चार्टर एम्बुलेंस की सेवा शुरू की जाए। प्रमुख उद्देश्य ये था उनका कि जो बाहर से जब चार्टर आते हैं तो चार्टर ऑक्यूपाई करने में 8 से 9 घंटे का समय लगता था पेशेंट को सुविधा देने के लिए। कभी कभी चार्टर जो है पहुंच भी नहीं पाता था और पेशेंट को जो आवश्यक सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती थी। रिलीफ करते हुए जो जिनको आवश्यकता है इमीडिएटली रिकवरी के लिए, इमीडिएटली ट्रीटमेंट के लिए, तो उनको कम समय में उनके गंतव्य तक हम लोग पहुंचा सके हैं। रांची से नई दिल्ली का किराया सिर्फ 5 लाख, रांची से मुंबई 7 लाख, रांची से चेन्नई 8 लाख, रांची से हैदराबाद 7 लाख, रांची से तिरुपति 8 लाख, रांची से लखनऊ 5 लाख, रांची से वाराणसी 3,30,000 और रांची से कोलकाता मात्र 3 लाख में पहुंच सकते हैं। एम्बुलेंस में आपको एक डॉक्टर, 2 अटेंडेंट भी मिले। पाने का तरीका यहाँ पर 24/7 एक सेल का गठन कर दिया गया है, जिसमें कि हमारे विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी उसका संचालन करेंगे और इसी के अलग अलग सारे जितने भी हमारे हवाई पट्टे झारखंड राज्य में वहाँ से सारी सुविधा मिलेगी। डॉक्टर, पूरी मेडिकल टीम होगी, उसमें डॉक्टर होंगे, एक अटेंडेंट होगा मेडिकल, बाकी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह है वो सारे उसमें लगे रहेंगे। यह सेवा रांची के साथ देवघर, बोकारो, जमशेदपुर, दुमका, धनबाद और गिरिडीह में भी उपलब्ध होगी। यह सेवा प्रयोग के तौर पर अभी एक एम्बुलेंस से शुरू की जा रही है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी कंपनी भी अपना विस्तार करेगी। सिविल एविएशन निदेशक SP सिन्हा के मुताबिक गोल्डन ओवर के दौरान मरीज को अस्पताल में पहुंचाना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का लक्ष्य है। प्राइवेट ऑपरेटर के मुकाबले यह एम्बुलेंस सेवा 30% तक सस्ती बताई जा रही है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन कुणाल के साथ शहनवाज अख्तर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।